ये मैंने दो दिवाली के यूज़ की हुई दिए लिए हैं, एक ही पेंसिल ली है, एक धागा लिया है जो कि काफ़ी मज़बूत है, एक होल करने के लिए पेचकस, एक छोटी सी कैंची धागा काटने के लिए। आप चाहें तो पेंसिल की जगह पे आपके पास छोटी सी कोई बिल्कुल स्ट्रेट स्टिक हो तो वो भी ले सकते हैं। मेरे पास कुछ स्टिक नहीं थी तो मैंने इसलिए पेंसिल का यूज़ किया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमने दिया लिया था ना उसमें हम तीन इक्वल जगह पर होल करेंगे, बराबर बराबर जगह पर। तो होल करने के लिए मैंने इस पेचकस का यूज़ किया हुआ है। तो ये दिए बहुत मजबूत नहीं होते तो इसमें होल करने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है। इस पेचकस को इसमें ऐसे थोड़ा सा हल्का सा ज़ोर लगाते हुए इसको इस तरह घुमाएंगे इसमें, तो अपने आप ही इसमें होल होता जाएगा। आप चाहें तो इसमें तीन जगह निशान भी लगा सकते हैं। और अगर आपको होल करने में थोड़ा सा भी अगर दिक्कत हो तो आप थोड़ा सा पानी ले लीजिए किसी बर्तन में, और इस तरह इसको पानी में बार बार डुबाते हुए दिए और पेचकस दोनों को गीला करते करते हुए आप इस तरह होल घुमाइए पेचकस को इसके अंदर, तो ये इसमें बहुत आसानी से होल हो जाता है। तो मैंने भी इसी तरह पानी लगाते लगाते इसको होल किया था, बीच में मेरा एक दिया टूट भी गया था जिसमें कुछ ज़्यादा ही जोर लग गया था। तो ये देखिए मैंने होल करने के लिए पेचकस से तो मैंने कर लिया था, पर थोड़ा सा और कोई पॉइंटेड चीज़ चाहिए था तो मैंने जो छोटी सी कैंची थी मेरे पास उससे मैंने होल किया है थोड़ा सा, बस लास्ट में थोड़ा सा बाकी था। ये देख सकते हैं ये कैंची आर पार निकल चुकी है। तो इसी तरह हम दोनों दियों में तीन तीन छेद कर लेंगे थोड़ी सी सावधानी से, ताकि आपके पेचकस या कैंची आपके हाथों में ना लगे। और फ्रेंड्स आपको अगर ये वीडियो प्लीज़ पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए मैंने होल कर लिया है, ये आप देख सकते हैं मैंने दोनों दियों में तीन तीन होल कर लिए हैं। ये देखिए ज़्यादा मोटे भी नहीं करने, ज़्यादा बारीक भी नहीं करने हैं। ये देखिए इस दूसरे दिए में थोड़े से ना थोड़े से मोटे मोटे शेड हो गए हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें। और इसमें जो ये जो हमने दिवाली के में जो दिए जलाए थे ना तो आगे से ये काला काला हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे थोड़ा सा ना पेंट कर लेंगे। तो मेरे पास एक्रेलिक कलर है तो उसके से ही मैं इसको रेड कलर से ही इसको पेंट कर लूँगी, ताकि ये जो इसमें जो कालिक लगी हुई है ना उसकी बत्ती की वो साफ़ हो जाए, विजिबल ना हो। तो ये एक्रेलिक कलर का रेड कलर है, ये मैंने इसको कर लिया अच्छे से। आप चाहें तो डबल, अगर आपके दिए में ज़्यादा गंदगी है तो आप डबल कोट भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा नहीं था ज़्यादा काला तो मैंने सिंगल कोट ही इसमें किया है। अब प्लीज़ मेरे फ्रेंड्स ये वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। ये देखिए अभी सारे जो इसमें जो काला काला लगा हुआ था सब साफ़ हो गया है, ये मैंने दूसरा भी कर लिया। तो जब तक ये दोनों दिए, वैसे एक्रेलिक कलर सूखने में ज़्यादा टाइम लगाते नहीं है, तो जब तक ये सूखेगा तब तक हम ये धागा जो हमने लिया था इस धागे से हम छः इक्वल इक्वल, ज़्यादा लंबे लंबे नहीं, आप अंदाजे के हिसाब से ले लीजिएगा। धागे मैंने काट लिए हैं, ये डबल करके शायद एक बित्ता बोलते हैं ना, जो हाथ से रख के अंगूठे से और जो छोटी उंगली से जो नापते हैं ना उस हिसाब से है, एक बित्ता के करीब करीब। तो ये मैंने छः पीसेस काट लिए हैं इसके, दो ये तीन ये चार ये पाँच ये छः। अब इन सबको हम क्या करेंगे कि जितने भी हमने होल बनाए थे सारे होल में इसको हम निकालेंगे। इस तरह से निकाल के और ये दोनों जो एंड हैं इसके इन दोनों पे हम गांठ लगा देंगे। तो हमने धागे इक्वल काटे थे तो गांठ भी हम सब सेम ही लगाएंगे, तो छोटा बड़ा होने की कोई दिक्कत इसमें नहीं है।
तो इसको हम गांठ कैसे लगाएंगे कि इसको हम उंगली में एक बार लपेट के और इसको बाहर की तरफ खींच देंगे। तो इसी तरह से मैंने सारे धागों में इसी तरह से गांठ लगा दिया है, ये देख सकते हैं। इसमें करना कुछ नहीं है, अगर आपने धागे छोटे बड़े लिए हैं तो आपको गांठ बांधते टाइम में पहले इक्वल कर लेना होगा, उसी हिसाब से फिर आपको गांठ बनानी होगी। तो मैंने तो धागे पहले ही इक्वल लिए थे तो मुझे दिक्कत ऐसी नहीं हुई। ये देखिए इस तरह से दोनों आपको आपस में हमने बराबर करके ये ऐसे एक बार लपेट के इसको घुमा के बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा एक दिया तैयार हो गया। ये देखिए और इसी तरह से हम दूसरे दिए को भी तैयार कर लेंगे। हमने दोनों दिए तैयार कर लिए हैं। अब तीनों धागों को एक साथ पकड़ के इसमें एक गांठ लगा देंगे ताकि ऊपर एक लूप सी बन जाए। ये देखिए तीनों धागे ऊपर है कि लूप सा ऊपर बन गया है। इस तरह से दूसरे में भी ऐसे ही करेंगे हम। ये देखिए अब हमने ये पेंसिल ली है। अब हमने जो धागे में जो लूप बनाया था ना ऊपर बीच में गांठ लगा के जो ऊपर लूप बना था उसको हम पेंसिल के एक सिरे में फंसा के और इस तरह इसको ग्लू गन से इसको स्टिक कर देंगे ताकि ये जो लूप है वो अपनी जगह से हिले ना। चारों तरफ इसको अच्छी तरह से हमने हॉट ग्लू लगा दिया है। और इसके हम दूसरी साइड भी हम ऐसे ही करेंगे। दूसरे दियो को हमने लिया और इधर भी इसमें लूप को इसमें फंसा के इधर भी हमने ग्लू गन से इसको भी हमने स्टिक कर लिया है अच्छे से ताकि अपनी जगह से बिल्कुल भी अपन नहीं हिलेगा। और बीच में हम पकड़ने के लिए क्या ये एक छोटा सा धागा हमने लिया है, इसको भी एक गांठ बना के बना लिया हमने। इसको हम पेंसिल के बिल्कुल सेंटर में इसको हम लगा देंगे। इसमें एक लूप बना के एक सिरे के अंदर दूसरा सिरा डाल के ऊपर से खींच देंगे ताकि इसमें ये अटैच हो जाए। ये इस तरह से देखिए ये हो गया और ये हमारा एक बहुत ही अट्रैक्टिव हैंगिंग पीस बन गया है जिसको मैंने अपने बचपन में बहुत सारा बनाया था। हमेशा हर साल जब हम लोग दिवाली के बाद जो दिए बचते थे उसका हम इसी तरह छोटे छोटे बच्चे हम लोग ने खेल बना के हम लोग खेलते थे। अपने दुकान थोड़ी सी छोटी सी दुकान से जाते थे, घर से कुछ कुछ छोटा छोटा सामान ले आते थे और इसमें रख के हम लोग खेलते थे। तो आप इसको एक एज ए डेकोरेटिव पीस भी बना सकते हैं या फिर अपने छोटे छोटे घर में बच्चे हैं तो आप उनको भी इस तरह से इसको बनाना सिखा सकते हैं। आप चाहें तो इसको अच्छे से कलर वगैरह करके अपने ड्राइंग रूम में भी इसको लटका सकते हैं हैंगिंग पीस की तरह। ओके थैंक यू।